सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की फैन फिक्शंस, वीडियो, स्टोरी कुछ भी चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे उससे काफ़ी खुशी मिलेगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और बाकी हर बार की तरह जो लोग कमेंट करते हैं उन्हें थैंक यू सो मच अपने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। आपके कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट भी करते रहिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली वांग जी और विंग अपनी जिंशी से निकल के उस कंपटीशन वाले हॉल में पहुंच गए, जहां वांग जी को देखकर कुछ लोग बहुत शॉक है और एक इंसान तो जल भुन रहा है जो कोई और नहीं बल्कि क्वीन किंशु है। उसके अलावा काफ़ी लोग शॉक है कि वांग जी आज यहाँ इस तरीके से आए हैं विंग की सपोर्ट में, क्योंकि उन्होंने आते ही सबसे पहली बात यही बोली कि वो विंग के सपोर्ट में आए हैं, तो इसलिए काफ़ी लोग इस चीज़ से शॉक है। लेकिन अब सब लोग शांति से सब कुछ मतलब एक तरीके से देख रहे हैं। वहीं वहाँ शिचैन जो चाहते तो अपने भाई को दौड़ के गले लगाना है, लेकिन वो एक किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग और इतने बड़े कॉम्पिटिशन लैंड फॉरन के टाइटल को किसे मिलेगा उसको नोटिस करते हुए आप बोलना शुरू करते हैं, मेरे ख्याल से सारे जजेस और कॉम्पिटिशन में पार्ट करने वाले दोनों लोग यहाँ आ चुके हैं, तो हमें आप समय ना वेस्ट करके सबसे पहले ये काम ही करना चाहिए। ये सुनते ही सबसे पहले अब एक पर्सन बीच में आता है, अब बोलना शुरू करता है कि आज यहाँ पे 5 जजेस हैं, जिनमें से एक खुद कुरैन है, 2 लोग सीनियर हैं, एक किंशु है और एक किंग है। ये 5 लोग मिलकर आज के कंपटीशन को जज करेंगे। इतना ही नहीं, वो आज के नहीं बल्कि बाकी सारे कॉम्पिटिशन के जज यही लोग होंगे और ये लोग फाइनल डिसीजन के बाद ही कौन मतलब एक तरह से लैंड फॉरन बना है वो फाइनल होगा। पहला कंपटीशन एक डांस कंपटीशन है। अब शु शैनिंग सबसे पहले स्टेज पे परफॉर्म करने आती है। उसने व्हाइट और ब्लू कलर के बहुत ब्यूटीफुल से लंबे जिनकी स्लीव्स आगे से बहुत लंबी है ऐसे वाले एक हैंडफू पहना हुआ है और वो ब्यूटीफुली अब जैम डांस करना शुरू करती है। पीछे से गुचिन और एक तरह से वीनक से म्यूजिक प्ले होता है और उसके साथ म्यूजिक के साथ शैनिंग बहुत सुंदर मूव कर रही है, वो बहुत अच्छा डांस कर रही है। वो अपने हानफू के स्लीप से ही काफ़ी अच्छे अच्छे एक तरीके से पोज वे दे के डांस कर रही है। उसके डांस को देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो सचमुच में एक बहुत टैलेंटेड और बहुत ब्यूटीफुल डांसर है। वो डांस करते हुए भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। मिंग जो कोने में बैठा है वो थोड़ा सा घबराते हुए अपने नाखून भी खाने की कोशिश कर रहा है, जिसे रेंचिंग रोक रही है। तो विंग मन में सोच रहा है, एक समय था जब ये लड़की विंग को इतनी ब्यूटीफुल लगती थी जितनी अभी भी वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है कि विंग को लगता था ये स्वर्ग से उतरी अप्सरा है, लेकिन अब तो वो डायन लग रही है जो उसे हराने के लिए इतना अच्छा डांस कर रही है। उसे बेचारे को तो अब टेंशन हो रही है। शैनिंग के डांस के बाद तो वो खुद ही मतलब एक आपको हरा हुआ महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि इतनी ब्यूटीफुल डांस के बाद उसके जीतने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन कहते हैं ना हर चीज़ को पहले से ही सोच कर डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए। शैनिंग डांस बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो एक पुराने टेक्निक का ही डांस था जो अब तक घिसा पिट्टा डांस हर कोई कर रहा है वैसा ही डांस था, और उसके अकॉर्डिंग विंग के डांस के लिए कोई और प्रिपेयर ही नहीं था। जैसे ही विंग के बोलने की बारी आई तो विंग अपने उस डांस वाले हानफू को जिसे उसने स्पेशली एक तरीके से न्यू जैन से बोल के बनवाया उसके साथ वो बाहर आता है। वो वाइट कलर के ब्यूटीफुल से एक तरीके से तो उसके भी स्लीव्स आगे से चौड़ी हैं, एम्ब्रॉयडरी है, उन हानफू को पहन के आया है। वो इस समय बीचों बीच खड़ा हुआ है और उसके चेहरे पे हल्की सी नर्वसनेस भी दिख रही है। उसकी इस नर्वसनेस को देखकर शु शैनिंग तो बहुत खुश है, उसे बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। उसे पता है कि जितना अच्छा उसने डांस किया उतना अच्छा तो शायद विंग डांस नहीं कर पाएगा। वहीं विंग थोड़ा घबराते हुए सबकी तरफ देख रहा था जब उसकी नज़रें जाके वांग जी की तरफ अटकती है। वांग जी जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार से बहुत ज़्यादा श्योरिटी से देख रहा है और स्माइल करता हुआ उसकी अपनी गर्दन हाँ की तरफ हिलाता है, जैसे वो विंग को बताना चाहता है कि वो विंग के साथ है। वो शैनिंग का डांस समझ नहीं आया, वो ऐसा एक्सप्रेशन के साथ विंग को बोल रहे हैं। विंग जैसे वांग जी को बिना बोले ही बातों को अब समझने लगा है, इन आँखों को समझने लगा है, इस एक्सप्रेशन लेस चेहरा जो सारी दुनिया के लिए एक्सप्रेशन लेस है उसके चेहरे के भाव को समझ के स्माइल करता हुआ अब जल्दी से अपनी कमर से अपनी तलवार को निकालता है। और जैसे ही वो तलवार निकाल के अपना डांस करना शुरू करता है तो यहाँ हर कोई विंग के डांस में जैसे एकदम से गुम हो जाता है। ब्यूटीफुल से दिखने वाला ये मैन उतना ही फ्लेक्सिबल भी है, बहुत ज़्यादा विंग फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डांस कर रहा है।
वो एक एक मूव अपनी तलवार और अपने स्लीव्स के साथ जिस तरीके से कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सचमुच में विंग कोई लड़का नहीं बल्कि एक ब्यूटीफुल सी लड़की हो जिसपे से हर कोई अपनी नजर हटा नहीं पा रहा है। इतना अच्छा डांस विंग ने करा कि एक सेकंड के दो जैसे ही डांस रुकता है तो काफी सारे सीनियर्स जो पहले शो शाइनिंग के लिए क्लैपिंग कर रहे थे अब तो वो विंग के डांस से इतने खुश हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि उन्होंने शो शाइनिंग जैसा डांस तो उन्होंने कई बार इस महल में देखा है। जैसे बाहर से डांसर्स भी आके एक होता है ना जब कोई समारोह हो जब कोई सेलिब्रेशन हो तब लोगों को बुला के स्पेशल डांस भी कराया जाता है। उन्होंने फैन डांस भी देखा था लेकिन इस तरह का एक तलवार के साथ डांस उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा तो उन्हें ये डांस बहुत अच्छा लगता है। इसलिए काफी लोग इस चीज के लिए विंग के अप्रिशिएशन के लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। वहीं शी चैन भी बहुत खुश होकर काफी जोर से तालियां बजाते हैं। किंचु को भी डांस अच्छा ही लगा इसलिए वो भी तालियां बजाती है। वहीं शू शाइनिंग का और शूशे का तो चेहरे पे जैसे गुस्से के एक्सप्रेशन आ जाते हैं। शू शाइनिंग को श्योर था कि विंग उसे डांस में तो नहीं हरा पाएगा लेकिन अब वो भी थोड़ा सा नर्वस है क्योंकि विंग ने सचमुच में तलवार के साथ इतना अच्छा डांस करके दिखाया एक नई नई टेक्निक। वैसे भी वो तलवारबाजी तो जानता ही था तो थोड़े बहुत जैसे मूव करते हैं उन मूव्स को ही डांस की तरह लेकर डांस के साथ दिखाया ये देखकर तो सब लोग खुश है। वहीं शी वांग जी भी खुश होके विंग को शॉर्टी के साथ अब क्लैपिंग करता हुआ सपोर्ट करा। विंग रुकते ही सबसे पहले वांगजी को देखे स्माइल करके ही फिर किंग को बो करके वहां से चला जाता है जैसा विंग और वांगजी ने सोचा था। कंपटीशन में शू शाइनिंग हार जाती है। शू शाइनिंग के मार्क्स कम थे मार्क्स मिले उसके अकॉर्डिंग विंग के मार्क्स उससे ज्यादा थे। खासकर खुद कुरैन और किंग ने उसे सबसे ज्यादा फुल मार्क्स दिए हैं तो शू शाइनिंग फर्स्ट कंपटीशन हार गई है। उसे ये हार बर्दाश्त नहीं होती इसलिए वो वहां आता है। वो एक सेकंड भी वहां रुकती नहीं गुस्से में वहां से जल्दी से अपने कक्ष की तरफ दौड़ पड़ती है। वहीं पर जैसे कंपटीशन का विनर अनाउंस होता है विंग खुशी और एक्साइटेड में भी दौड़ता है लेकिन वो कमरे की या हॉल के बाहर नहीं बल्कि अपने लानदान की तरफ दौड़ता है। इंदौर के वांगजी को गले लगा लेता है। वैसे तो उसे गले लगाना चाहिए था तो न्यूसेन और वेंचिंग को लगाना चाहिए था क्योंकि वो दोनों ही तो थे जो दो दिन से उसे डांस की तैयारियां करवा रहे थे। लेकिन उसे जब ये पता चला कि वो जीता तो सबसे पहले उसका मन अपने लंदा को गले लगाने का किया। वहीं वांगजी भी विंग को बहुत प्यार से दूर करता है और खुशी से बोलता है मैंने कहा था ना तुम ही ये कॉम्पिटिशन जीतोगे। इस बात पर विंग खुशी से अपनी गर्दन हामी मिलाता है और फिर खुशी से वहाँ से वांगजी को लेकर महल मतलब अपनी जिनशी की जाने ही लगता था जब बस उसके और वांगजी के आगे किंग आके खड़े हो जाते हैं यानी लैंड शिचैन ये बिल्कुल वांगजी के पास खड़े हैं और वो तुरंत अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं। ये देख के विंग और सारा का सारा हॉल शॉक है यहाँ तक कि खुद किंशु भी शॉक है क्योंकि शिचैन एक किंग होकर ऐसे किसी और के आगे घुटनों पर बैठे हैं ये चीज बहुत बड़ी होती है। पर किंग शिचैन के लिए वो किसी और के नहीं या किंग नहीं बल्कि एक भाई है जो अपने भाई को देखकर बहुत खुश है। 4 साल से वो अपने भाई जो कहने के लिए उनसे बड़े हैं लेकिन शिचैन के लिए तो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। वो वांगजी को आज यहाँ इस तरीके से व्हील चेयर पर आते देख विंग के डांस के समय खुश होता देख अभी विंग के साथ खुश होता देखकर उनके मन में जो खुशी हुई इसी कारण वो यहाँ खुद को रोक नहीं पाए और यहाँ ऐसे ही वांगजी के आगे आके बैठ गए। अब वो अपने घुटने पर बैठे और इमोशनल होते हुए अब वांगजी के हाथों पर हाथ रखते हैं जिसे वांगजी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता लेकिन शिचैन पूरे इमोशन और आंखों के साथ हैं। आप ठीक हो गए ब्रदर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जिनशी से बाहर आज यहाँ इस हॉल में आए। मैं आपके यहाँ आने से बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे इस कंपटीशन में मेरी जगह फैसला आप लें। एज अ किंग अब मैं आपको अपने फैसले की अथॉरिटी देता हूँ आप आगे से आप ही मेरी जगह फैसला लेंगे इस कॉम्पिटिशन के हर अब जो भी आगे मतलब प्रतियोगिता होंगी उनमें आप भी हाँ उन हाँ जजेस में से एक है। मैं ऐसा चाहता हूँ शिचैन ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो धीरे से व्यांग जी और यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये चीज़ महसूस करवाना चाहते हैं कि वो कभी भी इस अथॉरिटी के लायक नहीं थे। शिचैन के मन में कभी भी अपने भाई की जगह लेने का विचार आया ही नहीं था। वो कभी भी व्यांग जी की जगह किंग नहीं बनना चाहते थे। वो तो वांगजी बहुत बीमार थे उनके फादर की डेथ हो गई थी वो बहुत बड़े युद्ध के बाद आए एक तरीके से अपने ही किंगडम में आए थे तो उस समय राजगद्दी का खाली होना वह कितना बड़ा एक तरीके से नेगेटिव किंगडम के लिए हो सकता था इसी कारण वो मजबूरी में किंग बने थे। लेकिन अब जब उन्हें उम्मीद लग रही है कि वांगजी ठीक हो सकते हैं तो वो ये जगह वांगजी को ही देंगे इसलिए वो शुरुआत इस छोटे से कॉम्पिटिशन से कर रहे हैं जिसके कारण पीछे खड़े किंशु का चेहरे पर एकदम से एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है उसे बहुत गुस्सा आता है। जैसे पहले शू शाइनिंग इस हॉल से भागी थी वैसे अब
किंशु भी इस हॉल से गुस्से से बाहर भाग रही है, जैसे पहले शुशेनिंग के पीछे पीछे उसका भाई शुशे गया था, ऐसे ही अब किंशु के पीछे मिंग्याओ गए। वहीं मिंग्याओ और किंशु तो इस हॉल से बाहर चले जाते हैं, लेकिन बाकी सब लोग इमोशनली मिंग वांगजी और लान शिचेन को देख रहे हैं। वहीं वांगजी शॉकिंगली अपने भाई की तरफ देख रहे हैं, पर आज वो पहली बार कि इस बात के लिए तुरंत अग्री हो जाता है। शायद पहले वाला वांगजी होता तो बिल्कुल भी उसे किंग की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं सोच के यहाँ से मना करके चला जाता, लेकिन आज वो ऐसा करना चाहता है, वो इस कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनना चाहता है, इसलिए वो तुरंत हाँ में अग्री करके वहाँ से विंग के साथ निकल जाता है। वहीं शिचेन कम से कम वांगजी ने उससे हाँ अग्री हो गया इस चीज से इमोशनल होके वांगजी को जाते हुए देख रहे हैं। वहीं कुडैन सीधा शिचेन के पास आते हैं और बहुत प्यार से शिचेन के कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, तुमने ये फैसला एकदम अभी इस लास्ट मोमेंट पे कैसे लिया? कल तक तो तुमने आने दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे कल तक आपने इतनी बड़ी बात नहीं बताई थी। आपने मुझे नहीं बताया था कि आज कंपटीशन में वांगजी आने वाले हैं, ब्रदर आने वाले हैं, ये चीज़ आपने मुझे नहीं बताई थी, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था। आज मैं खुद शौक हूँ कि वांगजी उस जिनशी से बाहर निकलना चाहता था। वांगजी ठीक भी हो रहा था, लेकिन उसकी बातों में उसके अंदर कहीं भी जिनशी से बाहर निकलने का कारण नहीं था, लेकिन आज वो जिनशी से बाहर निकला है, इस चीज़ से मैं भी काफ़ी हैरान हूँ। क्या कारण है अंकल जो वन ब्रदर इस तरीके से सबसे दूर उस जिनशी में बंद रहना चाहते हैं? आपने मुझे कहा था कि बहुत कुछ है जो आप और मैं समझ नहीं पा रहे, लेकिन वो क्या बातें हैं मुझे समझ नहीं आ रही। इस बात पे शिचेन की तरफ देखते हुए कुरैन मन में सोच रहे हैं कि वो कैसे शिचेन को बताएं कि जैसे इस समय उनके और उनके ब्रदर के बीच में ये जो दूरियां आई हैं उसका कारण कहीं ना कहीं ये राज गद्दी है, जिस गद्दी को ना ही कुरैन पाना मतलब ना ही लान शिचेन पाना चाहते थे और ना ही वांगजी पाना चाहते थे। उन दोनों के लिए तो ये सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उनके फादर के बाद उन्हें निभानी थी। उनके मन में दोनों के मन में दोनों भाइयों के मन में कभी लालच नहीं था, ना ही इस राजगद्दी का और ना ही दूसरे भाई को पीछे छोड़ने का। वो तो कोई और है जो ये कर रहा है, जिसके बारे में अभी कुरैन भी श्योर नहीं है, इसलिए वो शिचेन से ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं। बस इतना बोलते हैं, शायद कुछ समय में हमें सब कुछ पता चल जाए, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुमने आज अपने भाई को ये चांस दिया। कहीं ना कहीं कुरैन जानते हैं कि शिचेन अपने भाई को सचमुच में बहुत प्यार करते हैं। वो नहीं जानते क्या कारण है कि वांगजी अपने भाई को अब इस तरीके से पहले वाली तरह प्यार अफेक्शन नहीं दिखाता, लेकिन वो ये जरूर जानते हैं कि शिचेन के मन में कहीं भी कोई खोट नहीं है, कई और है जो शिचेन के नाम से वांगजी के मन में जहर घोल रहे हैं। वो कौन है अभी तक कुरैन को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो इंसान इस समय बहुत गुस्से में सारे रूम के सामान तोड़ रहा है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो पहले की तरह अपनी पागलों वाली हरकतें करते हुए सारे सामान को नीचे फेंक रही है और चीख के बोली, ये किंग तो नहीं बनना चाहता, ये कैसे कर सकता है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने साल से इसे जो सिखा रही हूँ समझा रही हूँ इस मोटी बुद्धि के दिमाग में घुसा क्यों नहीं है? इसने एक सेकंड भी लगाई उस लांग वांगजी को अपनी जगह देने में, वो इस कंपटीशन को भी लांग वांगजी को कैसे किंग की पोजीशन दे सकता है, कैसे वो अथॉरिटी दे सकता है? ये जगह उसकी है, उसे ये संभालने है, वही किंग बनेगा और मैं क्वीन, मैं कब किसी भी हालत में शिचेन से ये किंग की पोजीशन नहीं जाने दूंगी। मैं कुछ भी करूंगी लेकिन किंग तो शिचेन ही रहेगा और मैं क्वीन रहूंगी। क्या कह के किंशु अपने ही बाल नोच रही है, अपने ही हाथों को जोर जोर से बेड पे मार रही है, कभी कहीं मार रही है, जिसी से अब मिंग्याओ एकदम से किंशु को रोकता है और बोलता है, शांत हो जाओ, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? तुम्हें अच्छे से पता है कॉम्पिटिशन अभी सिर्फ रुका है पर शाम को फिर से एक कॉम्पिटिशन है। तुम ऐसे कुछ कर हरकतें करोगे, खुद को चोट पहुँचा लोगे, तो वहाँ उसमें तुम कैसे पार्टिसिपेट करोगे? मुझे कोई मतलब नहीं है कौन लैंड फॉरन बन रहा है नहीं बन रहा है, मेरे लिए कभी लैंड फॉरन कोई टाइटल इंपॉर्टेंट था ही नहीं, मुझे कभी लैंड फॉरन नहीं बनना था, मुझे तो क्वीन बनना था और मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, मुझे फ़र्क पड़ता है तो सलांग वांगजी के जिनशी से बाहर आने के लिए कितनी मेहनत करी थी मैंने, कितना कुछ प्लान किया था मैंने, कितने सालों से मैं ये सब कर रही हूँ और आज आखिरी मोमेंट पे ये शिचेन ऐसा कैसे कर सकता है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। किंशु बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने बेड पे बैठी हुई है और उसकी आंखें गुस्से में बिल्कुल लाल है। अब मिंग्याओ अपनी बहन के बिल्कुल पास में बैठता है और धीरे से उसके शांत करते हुए उसे हाथ में पानी का गिलास देते हुए बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं शुरू से लेकर अब तक तुम्हारे साथ था और अब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो,
आगे से बिल्कुल वैसे ही सब कुछ होगा जैसे हम चाह रहे थे, और हम दोनों के खिलाफ किसी के पास कभी कोई सबूत ना था ना रहेगा। मैं जल्दी ही उस लांग वांग जी को वापस उसके बेड तक जरूर पहुंचाऊंगा। बस कीजिए ब्रदर, ये झूठे वादे करना बंद कीजिए। आप ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं। पिछले कई महीनों से मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ कि मैं वापस आपको वांग जी की हीलर बनाऊं, लेकिन क्या हो रहा है, हर बार ये लैंड कुरैन बीच में आ जाता है। कुछ तो है जो इस लैंड कुरैन को पता चल गया, इसलिए वो ये सब कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, कुरैन को कभी कुछ पता चल ही नहीं सकता। बोलो मत, हम कितने साल से ये सब प्लान कर रहे हैं। यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जानते हैं कैसे किंशु लांग वांग जी और लांग शिचैन के बीच में आ गई। किंशु काफ़ी समय से यहाँ पे आती थी। वो अपने भाई मिंग्याओ के साथ आती थी। मिंग्याओ एक रॉयल हीलर बना था, जिन क्लैन की तरफ से। वो उस समय कोई इंपीरियल हीलर नहीं, सिर्फ रॉयल हीलर था। मिंग्याओ और किंशु अपने फादर यानी जिन मिनिस्टर जिन गौनशान के एक तरीके से नाजायज़ बच्चे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिन गौनशान कि इन दोनों के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग और टैलेंट की वजह से इन्हें अपने बच्चों की तरह एड्रेस करता था, लेकिन इन्हें कभी वो वैल्यू नहीं करती था। लेकिन जब किंशु और एक तरीके से मिंग्याओ लैंड महल में एंटर करे, तो इन्हें महसूस हुआ कि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी कैसे रिस्पेक्ट होती है, और किंशु को वो रिस्पेक्ट चाहिए थी। इसीलिए उसने अपने भाई के साथ ये प्लान करना शुरू किया। उसने कोशिश करी कि वो वांग जी या शिचैन में से एक का ध्यान अपनी तरफ कर सके। वांग जी शुरुआत से ही एक स्ट्रिक्ट फेस कोल्ड ऑरा कैरी करने वाले पर्सन थे। ऊपर से वांग जी की ऑलरेडी बचपन से एक फियांसे है यानी शु शैनिंग, तो इसी कारण किंशु वांग जी के क्लोज तो नहीं आ पाई, लेकिन वो शिचैन के क्लोज आई। शुरुआत में वो हमेशा स्वीट नेचर कैरी करने वाली, हमेशा लोगों की मदद करने वाली, अपने भाई के साथ हीलर के की हेल्प करके लोगों का इलाज करने वाली इमेज कैरी करती थी। वहीं शिचैन भी किंशु से थोड़ा क्लोज है, लेकिन उन्हें किंशु से कोई प्यार वाली फीलिंग नहीं हुई थी। वहीं दूसरी तरफ किंशु को पता चला कि लास्ट मतलब जब महल में आप रहते हो तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो उसी तरह से किंशु को पता चलता है कि किंग तो वांग जी ही बनेगा। वांग जी 5 मिनट बड़ा है शिचैन से और वो ही किंग बनेगा। और किंग क्वीन के शिव शाइनिंग किंशु के उस समय दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा घर कर गई। उसे हर हालत में क्वीन बनना था। वो एक तरीके के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रही थी। किसी चीज़ को चाहने के लिए इंसान बहुत हद तक अपने आप को पागलों की तरह बिहेव कर सकता है और किसी लेवल तक भी गिर सकता है। ये चीज़ किंशु को देख के आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि किंशु ने अब ये बात ठान ली थी कि वो लांग वांग जी को और ये शू शैनिंग को अपने रास्ते से हटा ही देगी। उसे ये मौका भी मिल जाता है। वॉर के समय सारे रॉयल हीलर्स उस जगह थे जहाँ पे लोग घायल हो रहे थे, उन्हें ट्रीटमेंट करने के लिए, जिनमें से मिंग्याओ और शू एक तरह से किंशु भी वहाँ पे अवेलेबल थी। वांग जी वॉर के दौरान बहुत बुरी तरह से घायल होके वापस अपनी उसी कॉटेज या ये कह सकते हैं वॉर बेस की तरफ आ रहा था, जहाँ पे घायल लोगों का इलाज हो रहा था। उस दिन वांग जी काफ़ी घायल थे, लेकिन उन्हें वो इतने घायल होने के बावजूद भी किंग किंगडम के हाथ में नहीं लगे थे। वो वापस अपने ही वॉर जोन तक पहुंच गए थे, जहां उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती है, क्योंकि वो गलती से जिस हीलर के टेंट में घुसते हैं वो कोई और नहीं बल्कि मिंग्याओ था। मिंग्याओ और किंशु जब लांग वांग जी की इस हालत को देखते हैं, तो किंशु अपनी क्वीन बनने की होड़ के कारण अपने भाई को मना के उसी समय वांग जी को वहाँ से अपने पास किडनैप कर लेती है। सबको यही लगता है कि किंग किंगडम के लोगों ने वांग जी को किडनैप किया, पर असलियत में वांग जी तो खुद अपने वॉर जोन में अपने ही एक हीलर के टेंट से गायब हुआ था। किंशु और मिंग्याओ ने मिलकर उस समय वांग जी को बहुत टॉर्चर किया। वो तो वांग जी को सिंपल मारने की जगह उसे खूब टॉर्चर करके तड़पा तड़पा के मारना चाहती थी। वो साइकोलॉजिकली बीमार इंसान थी। उसे लगता था वांग जी की चीखें, वांग जी को टॉर्चर करना उसे बहुत ज़्यादा अंदर से सेटिस्फेक्शन फील करवाता था। इसी कारण उसने वांग जी को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया, और वो जब भी वांग जी को टॉर्चर करती थी तो वांग जी के सामने ऐसे ही बोलती थी कि ये सब कुछ उसका भाई ही करवा रहा है, यानी लांग शिचैन। वांग जी को लगता था कि उसका भाई ही ये सब करवा रहा है, क्योंकि उसने कई बार किंशु को अपने भाई के साथ देखा था। उसे लगता था कि किंशु और उसके भाई के बीच में कुछ एक तरह कनेक्शन है। वो भी श्योर नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या नहीं है, लेकिन हाँ वो ये जरूर जानता था कि किंशु शिचैन के करीब है। ऊपर से किंशु हर बार शिचैन की रिलेटेड कुछ ना कुछ अपने साथ लाती ही थी। उसने वांग जी के दिमाग में उस समय ये बात पूरी तरह से घर करवा दी
कि वांग जी को इस तरीके से टॉर्चर करके मारना शिचैन चाहते हैं, क्योंकि शिचैन किंग बनना चाहते हैं। वो वांग जी ऑलमोस्ट मर चुका है, यही सोच के वापस उसे लैंड किंगडम लाई थी, क्योंकि उसे क्वीन भी तो बनना है। वो सबके सामने यही दिखाती है कि वो ही वांग जी को बचा के लाई है किंग किंगडम के लोगों से, और वो भी काफ़ी घायल है। वहीं शिचैन जो शायद किंशु को प्यार तो नहीं करते थे, थोड़ा सा बहुत अफेक्शन होता है किसी की चीज़ों को पसंद करना, एक होता है किसी को अप्रिशिएट करना, वो ही करते थे। किंशु के लिए उनके मन में कभी प्यार ही नहीं था। लेकिन हाँ, अपने भाई को जिस लेडी ने बचाया, जब वो उनसे शादी के लिए अपनी बात कहती है तो वो भी उस चीज़ के लिए अग्री हो जाते हैं। वो अपने भाई से वांग जी से बहुत प्यार करते थे, तो उन्हें लगता है जिस लड़की ने उनके भाई की जान बचाई, उनके भाई को जिंदा इन महल में वापस लाई, तो उस बंदी की एक तरीके से आसानों में तब दब के शिचैन ने किंशु से शादी कर ली। किंशु भी शिचैन के सामने उनकी एक आइडल वाइफ ही बनके रहती है, हमेशा उनकी बात पे अग्री करती है, पर असलियत में वो उस दिन से वांग जी को जहर दे के मार रही थी। उसे वांग जी से एक अजीब सी नफरत है, क्योंकि उसे लगता है कि वांग जी जिंदा रहा तो उसके हाथ से वो क्वीन की पोजीशन चली जाएगी। एक साइकोलॉजिकल बीमार इंसान है किंशु, और उसकी बीमारी का शिकार कोई और नहीं बल्कि वांग जी बनता है। वांग जी फिर भी सबके सामने चुप ही रहा। वो होश में आने के बाद भी अपने भाई के लिए कुछ गलत नहीं बोला, क्योंकि उसके लिए उसके भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अपनी फैमिली के बाद अपने भाई के को वांग जी तब भी प्यार करता था, अपने साथ गलत भी जिस इंसान ने किया उस इंसान के खिलाफ भी, फिर भी वांग जी कुछ नहीं बोला, क्योंकि वांग जी को उस समय मरना ही था। जिंदा होके अपने भाई के खिलाफ जाके वो क्या ही कर लेता, किंग तो बन जाता लेकिन बिल्कुल अकेला हो जाता। अपने भाई को जेल में डाल के वो कभी खुश नहीं रह पाता, इसलिए उसने अपने आप को ही ख़त्म करना सोचा। ये थे असली कारण, जिसके कारण अभी तक शिचैन सच जानकर भी नहीं जान पाते। उन्हें पता ही नहीं कि उनके नाम से उनके भाई के अंदर नफरत भरने वाली उन्हीं की वाइफ किंशु है। वहीं किंशु अब वांग जी को वापस ठीक देखकर अभी भी घबरा नहीं रही है, क्योंकि उसे श्योरिटी है वांग जी कभी भी उसके भाई का नाम नहीं लेंगे, किंशु का नाम नहीं लेंगे, जो सच भी है। अभी भी वांग जी ने ये सच किसी को नहीं बताया कि वो हमेशा से अपने ही क्लैन में थे। वो कभी भी किंग किंगडम पहुँचे ही नहीं थे, वो अपने क्लैन के अंदर ही थे, और वहीं पे उनका टॉर्चर किंशु ने करा है, जो सबकी क्वीन बने बैठी है। वांग जी इन चीज़ों से ऊपर अब अपनी लाइफ को ख़त्म करने के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन वो तो विंग उसकी लाइफ में आ गया। किंशु को अभी ये नहीं पता कि अब तक चीज़ें अलग थी, वांग जी का चुप होना, वांग जी का सब कुछ सहना, वांग जी का मौत को चुनना, लेकिन अब वांग जी अलग है, क्योंकि वांग जी की लाइफ में उसका विंग है। अब वो जिंदगी जीना चाहता है, अपने विंग को हर खुशी देना चाहता है। इस भाई बहन का सच तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब दूसरे भाई बहन की तरफ चलते हैं, यानी शू शैनिंग और शूशे की। यहाँ शू शैनिंग हर अब बिल्कुल किंशु की तरह ही अपने घर सामान तोड़ रही है, गुस्से में अपने अब वो ज्वेलरी जो से पहनी है उसे उतार उतार के फेंक रही है, और रोते हुए अब अपने बेड पे बैठ के जोर जोर से रोते हुए बोल रही है, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये सब लोग, मैं हर मामले में उस विभूषण से बेटर हूँ, तो वो विभूषण को कैसे जीतने दे सकते हैं, ये विभूषण को कैसे कैसे ये लोग कह सकते हैं कि उसने मुझसे अच्छा डांस किया। ब्रदर आपको लगता है उसने मुझसे अच्छा डांस किया, गगा आप भी तो वहाँ थे, बोलो ना गगा। कि शूशैनिंग अब जब ये बात शूशे से बोलते हैं तो शूशे तुरंत बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम उससे हर मामले में बेटर थी, एक तलवार लेके घूम के क्या दिखा रहा था वो कोई डांस था, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे तलवारबाजी कर रहा हो, तलवारबाजी और डांस में अंतर होता है, पता नहीं ये लैंड क्लैन के लोग अंधे हो गए हैं क्या, सचमुच में ये लैंड क्लैन के लोग अंधे ही हो गए हैं गगा। तभी तो वांग जी आज उसने मुझे इग्नोर किया, आप बचपन से जानते हो वांग जी मुझे ही प्यार करता है, तो वो मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है। तुम उस लांग वांग जी की फिक्र मत करो, तुम एक बार बस ये कॉम्पिटिशन जीत जाओ, फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सबसे केस को मना के तुम्हारी ही शादी लांग वांग जी से करवाऊँगा। पर गगा आप कैसा कैसे कर पाओगे, आपकी तो पोजीशन भी आपसे छीन ली, आप इंपीरियल गार्ड से सीधा रॉयल बन गए हो, आप कैसे कर पाओगे ये सब कुछ। मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। शूशे बहुत प्यार से अपनी बहन यानी शुभ शैनिंग को समझा रहा है, ये दोनों जरूर थोड़े से लालची हैं, थोड़े से पोजीशन पाना चाहते हैं, लेकिन इतने गिरे हुए तो नहीं हैं जितने किंशु और मिंग्याओ हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे विंग बहुत खुश है, विंग कूद कूद के खुशी में अपने रूम में गोल गोल घूम रहा है, वांग जी उसे खुश होते देख रहा है, वांग जी खुशी से गोल गोल घूम रहा है, कह रहा है वाह लज्जा मैंने कंपटीशन जीत लिया,
तुम्हारी उस खूबसूरत हुस्न परी फियांसे को मैंने हरा दिया। तुमने मेरा डांस देखा रंजा, मैंने कैसे घूम घूम के डांस किया। रंजा तुम्हें मेरा ये वाला मूव याद है? वेज बोल के वही अब वांगजी के सामने खुद खुश होकर अपने हाथों से ही तलवार वाली मतलब एक तरह से इमेजिनेशन कर करके डांस कर करके वांगजी को दिखा रहा है। जिसे देख के वांगजी खुश होता है। वांगजी तो खुश हो रहा था लेकिन पीछे जब रूम में एंट्री करते हैं वो गुस्सा होके विंग का नाम लेते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि वेंचिंग और नहीं हुसैन थे जो एक साथ होते हैं। विंग जिसे विंग एकदम से सीधा खड़ता है और अब वेंचिंग गुस्से में आ गया थी। अब बोलती है डांस करना बंद करो और अब अगले कॉम्पिटिशन के बारे में सोचो। तुम्हें कल म्यूजिकल कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है। आज तो तुम जीत गए लेकिन कल कैसे करोगे? तुम जैसा बेसुरा अगर गाना गाएगा तो वहाँ पे बैठे हुए सब लोगों के कानों से खून निकल जाएगा, तो तुम कल के बारे में सोचो। इस बात पे अब विंग एकदम से वेंचिंग की तरफ जीत दिखाता है। अब बोलता है मैं इतना बेसुरा भी नहीं गाता हूँ और तुम भूलो मत मैं कितनी अच्छी फ्लूट बजाता हूँ। मेरी बांसुरी की जैसी आवाज़ किसी की नहीं है। हाँ तुम गाना तो बहुत अच्छा गाते हो पर सिर्फ म्यूजिक प्ले करना नहीं है बल्कि म्यूजिक को गाना भी है। तुमने कल के बारे में कुछ सोचा? क्या करोगे तुम वहाँ पे? अचानक से जब वेंचिंग विंग को याद दिलाती है कि हाँ भाई कल सिर्फ म्यूजिक प्ले नहीं करना बल्कि कुछ गाना भी है तो विंग एकदम से थोड़ा सा एक्सप्रेशन सेट करके वांगजी की तरफ देखता है और एकदम से लंजा करके जोर से वांगजी के आगे आके और मुंह साइड सा फेस बना के वांगजी के बिल्कुल मतलब एक तरह से पैरों के पास बैठ के उसके पैरों पे अपना फेस रख लेता है और प्यार से उसे देखते हुए बोलता है हाँ लंजा मैं तो बहुत ही बेसुरा सिंगर हूँ। हाँ मुझे गाना बजाना आता है पर गाना नहीं आता, मुझे सिर्फ म्यूजिक प्ले करना आता है वो भी अपनी फ्लूट से। पर मैं कल गाऊंगा क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कल हार जाऊंगा? बेचारा विंग ऐसे मासूम से बच्चे वाली तरह वांगजी की तरफ देख के एक्सप्रेशन बना रहा है कि वांगजी बहुत प्यार से विंग के सर पे हाथ रखता है। अब बोलता है तो तुम एक पोएम बोलो जिस चीज़ से अब सब लोग वांगजी की तरफ देखते हैं। तुम्हें याद है ना विंग कॉम्पिटिशन में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, तुम वहाँ पे पोएम भी बोल सकते हो। तुम्हें कोई पोएम याद है विंग जिस चीज़ से अचानक से विंग वांगजी की बात से विंग अपना सर खुजाने लगता है। अब बोलता है पोएम कविता मुझे कहाँ लंजा, मुझे तो तालिस्मान पता है, कल मैं तालिस्मान ड्रॉ करूँ। एकदम से इस बात से अब वेंचिंग और न्यूजन दोबारा से अपने सर पे जोर से हाथ मारते हैं और बोलते हैं विंग जिसे विंग एकदम से घबराता है और जिस बात से वांगजी बहुत प्यार से विंग के फेस को टच करता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए कविता लिखूंगा ठीक है। इस चीज़ से विंग बहुत खुश हो जाता है। लंजा उसके लिए कविता लिखेगा ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बात से विंग स्माइल करता है ठीक है लंजा तो कल तुम मेरे लिए कविता लिखना मैं वही कविता गाऊंगा या ये बोल दीजिए सबके सामने वही कविता पढ़ूंगा। जिसे सुन के सब लोग एक दूसरे की तरफ एक्सप्रेशन चेंज करें। किंग जो फ्यूचर में कभी किंग बनने वाले थे वो खुद को एक पोएम लिखेंगे और वो अच्छी ना हो ऐसा हो सकता है। इसलिए अब न्यूसैन और वेंचिंग श्योर हो गए कि उन्हें कल की कंपटीशन की टेंशन नहीं लेनी। विंग बहुत अच्छी फ्लूट प्ले करता है ये भी बात सबको पता है इसलिए वो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेते हैं। लेकिन वांगजी प्यार से विंग के लिए पूरी रात अपने डेस्क पे बैठ के कुछ लिखता रहता है। आज तो वांगजी भी पहली बार नर्वस हो रहा है। ऐसा नहीं है वांगजी को पोएम लिखनी नहीं आती या वो गाना नहीं लिखता, उसने खुद अपने और विंग के लिए एक म्यूजिक भी बनाया है लेकिन वो घबराया हुआ है क्योंकि आज उसके दिल में तो बहुत कुछ चल रहा है पर उन्हें शब्दों में वो कैसे कन्वर्ट करे समझ नहीं पा रहे। पर वो एक सांस लेता है, आंखें बंद करता है और उस समय को याद करता है जब उसने विंग को पहली बार अपने पास देखा था। वो फर्स्ट किस जब विंग ने उस बेचारे सोते हुए के साथ करी थी। होश में आने के बाद विंग के साथ बिताए हुए ये पल कहीं ना कहीं वांगजी आज उन सारी बातों को याद करके एक कविता लिखता है। पहला प्यार इस कविता का टाइटल है और वो इस कविता को लिखने के तुरंत बाद विंग के पास आता है। वहीं विंग बड़े मज़े से अपने बेड पे अपने फ्लूट के साथ ही खेल रहा था। वो अभी थोड़ी देर पहले तक म्यूजिक प्ले कर रहा था। वहीं वांगजी जब विंग की फ्लूट को देखता है तो स्माइल करता हुआ विंग रूम में एंट्री करता है। तो वांगजी को यहाँ देखकर विंग एकदम से लंजा तुम क्यों आए, तुम मुझे बोल देते। हम माना कि अब तुम इस व्हील चेयर को चलाने में एक्सपर्ट हो गए पर हर बार तुम मत आया करो, मुझे बोल देते मैं आता। विंग मैंने तुम्हारे लिए कविता लिखी है। सचमुच लंजा तुमने लिख दी? मैं कितना खुश हूँ लंजा, तो मैं भी पढ़ता हूँ। नहीं ये तुम कल ही पढ़ना, पर तुम जो म्यूजिक प्ले कर रहे थे वो बहुत अच्छा था। हाँ लंजा वो मेरी मदर का म्यूजिक था, ये फ्लूट भी मेरी मदर की है। मुझे कुछ कुछ बातें ही अपने मदर और फादर की याद हैं जिनमें से एक ये म्यूजिक था। मुझे कभी कभी वो आवाज़ उन मेरी मदर की गाने की आवाज़ अपने कानों में महसूस होती है। सच कहूँ लंजा ये म्यूज़िक ये कहीं ना कहीं
मैंने कभी सीखा नहीं, बल्कि मुझे मेरी मदर की से ही मिला है। जबिंग इमोशनल होते हुए अपने मदर की और फादर की बात करते हैं तो वांग जी तुरंत उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम सचमुच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और ये म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। तुम्हारी मदर भी एक बहुत अच्छी लेडी होंगी, मुझे यकीन है। थैंक यू लंजा। हाँ वो जरूर होंगी। ऐसे लंजा, अगर मैं इसे पढ़ूंगा नहीं तो प्रैक्टिस कैसे करूंगा? अगर मैंने वहाँ कुछ गलत पढ़ दिया तो? मुझे यकीन है तुम सब कुछ अच्छा ही करोगे। और ये बात सुनने के बाद विंग के चेहरे पे हंसी आ जाती है। उसे अच्छा लगता है जब वांग जी उस पर ये कॉन्फिडेंस शो करता है, इसलिए वो खुशी से अग्री हो जाते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में विंग, वांग जी और वेंचिंग और बाकी सब लोग कल की तरह ही सबसे पहले पहुँच जाते हैं। आज भी कंपटीशन कल की तरह ही होता है, सब लोग वही हैं, बस एक जज को चेंज करके, क्योंकि अब वांग जी एक नए जज में बन आ चुका है। पहले शो शैनिंग आती है, वो गुचिन प्ले करती है और एक म्यूजिक गाना भी शुरू करती है। उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा सुरीली तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा वो गाने की कोशिश करती है। गुचिन तो वो काफ़ी अच्छा बजाती है। सब लोग उसकी के बाद काफ़ी ज़ोर से उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। फिर दोबारा से अब बीचों बीच वेंग आके खड़ा हो गया। कल की तरह भी आज विंग की नज़रें सिर्फ और सिर्फ अपने लांगजान के ऊपर है और वो तुरंत अपनी बांसुरी से म्यूज़िक प्ले करना शुरू करता है। जब वो म्यूज़िक प्ले करता है तो हर कोई उसके म्यूज़िक को बहुत पसंद करता है। विंग जिस तरह से धुन गा रहा है या जो भी सॉन्ग गा रहा है, वो सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस है। कहीं ना कहीं एक माँ अपने बच्चे के लिए जैसे लोरी गा रही हो, इस टाइप का ही म्यूज़िक है। इसलिए सबको इमोशनली अपनी अपनी चाइल्डहुड मेमोरी से कनेक्ट भी करवा रहे हैं, इसलिए सबको ये म्यूज़िक अच्छा लगता है। अब तुरंत विंग म्यूज़िक बंद करके सबको बो करके वहाँ से जाने ही वाला था, जब अचानक से उसके बीच में शो शैनिंग रोक लेती है और बोलती है, क्या हुआ, सिर्फ म्यूज़िक ही करोगे क्या? तुम्हें गाना भी तो गाना है, भूल गए हो क्या? ये दोनों कॉम्पिटिशन है, सिर्फ म्यूज़िक प्ले नहीं करना बल्कि गाना भी है। इंस्ट्रूमेंट तो कोई भी बजा सकता है, लेकिन गाना इतना आसान नहीं है। क्या हुआ विभूषण, सिर्फ एक ही चीज़ करोगे आज? जब शो शैनिंग विंग को चिढ़ा रही है तो विंग के चेहरे पे कनिंग सी स्माइल आ जाती है और वो हंसते हुए बोलता है, वैसे तो मैं सिर्फ ये बांसुरी वहाँ रखने जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, इसे यहीं पे रखते हैं। और तुम्हारी रही बात गाने की, तो मैं आज सबके बीच में स्पेशली बताना चाहता हूँ कि आज मैं एक कविता आप सबको सुनाना चाहता हूँ। ये कविता बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये कविता मेरे प्यारे हस्बैंड ने ही लिखी है, खासकर मेरे लिए, जो मैं आप सबके सामने सुनाना चाहता हूँ। विंग खुलेआम सबको बता रहा है कि ये कविता उसने नहीं बल्कि वांग जी ने लिखी है, लेकिन कोई भी इस चीज़ को गलत नहीं कह सकता, वांग जी और वो हस्बैंड एंड वाइफ है। लेकिन शुशैनी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो श्री वांग जी ने कभी उसके लिए कोई कविता नहीं लिखी, लेकिन विंग के लिए उसने कविता लिखी। ये चीज़ से वो बहुत चिढ़ रही है और वो घूर घूर के अब विंग को देख रही है, लेकिन विंग उसे इग्नोर करता हुआ अब वो लेटर निकालता है, वो पेपर जो वांग जी ने कल उसे देखा, और उसे खोलता है, शुरू करता है, पहला प्यार तू मेरा पहला प्यार है, दिल का सच्चा एहसास है, तेरी हंसी में मैं खो जाता हूँ, तेरी यादों में सो जाता हूँ, जब पहली बार तुझसे मिला दिल की में अजीब सा एहसास था, जैसे बरसों से भटके हुए को एक रास्ता मिला था, तेरे साथ बिताए पल जैसे सपनों का कोई जल, तेरी बातों में जादू है, दिल में बसी खुशबू है, तेरे बिना जीना मुश्किल है, तू ही मेरा साहस है, तू ही मेरा दिल है, तेरे साथ बिताया हर पल जैसे एक दर्द भरे पल में बिताई हुई एक खुशबू, तेरी ये हंसी तेरी ये खुशबू अब जैसे मेरी धड़कन और दिल है, तू मेरा पहला प्यार है, दिल का सच्चा एहसास है, तेरी हंसी में खो जाता हूँ, तेरी यादों में सो जाता हूँ। ये बोलते बोलते विंग की आंखों से भी अब आंसू आने लगे हैं, जैसे वो इससे आगे सबके सामने पढ़ नहीं पाता है। वो जानता है कि कविता उसके लिए लिखी हुई है, यानी ये सारी वांग जी की वो फीलिंग है जो उसके लिए है। कहीं ना कहीं इस बातों को सोच के विंग बहुत इमोशनल होकर वांग जी की तरफ देखने लगता है। इसका पार्ट यहीं रुकता है। सॉरी गाइस, ये लास्ट के एक मिनट के टॉर्चर के लिए मैं क्या करूँ, मैंने कभी जीवन में कविता लिखी नहीं है, मुझे कविता पढ़ना भी कभी शौक नहीं है, ये जो मैंने थोड़ा बहुत लिखा है पता नहीं कैसे लिख दिया, तो प्लीज़ आप मेरी इस बेकार कविता को इग्नोर करना और मेरी कविता बोलने के तरीके को भी, क्योंकि मुझे ये नहीं आता, तो सॉरी गाइस इन एडवांस, और दिल से प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करके बस स्टोरी पे ध्यान देना, जो मुझे आता है, जो मुझे शौक है स्टोरी लिखने का, वो मैं कर रही थी। तो आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, अगर कविता बुरी भी लगी हो तो गाली भी लिख सकते हो आप,
आपको आज़ादी है क्योंकि आप मेरे दोस्त हो, और जैसा भी लगे प्लीज़ बताना। अपना अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।